हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 यानी छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड 1959। आज के इस टॉपिक में हम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता का अध्याय एक, जिसमें आपका सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दो धारा कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, सबसे पहला प्रश्न तो ये आता है, ये आया कब? छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता ये आया है आपका अस्तित्व में 1959 को ये अस्तित्व में आया। एक्चुअली में ये जो संहिता है, इस कोड का नाम है आपका मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ वर्ष 2000 में, तो इस मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का पूरा पोषण उठा करके छत्तीसगढ़ द्वारा अपनाया गया है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया है आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, लेकिन ईयर आपका वही है 1959। ठीक, देखिए छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता जिसमें आपके कुल 19 अध्याय है, धाराओं की संख्या है 264 और अनुसूचियों की संख्या है 3। 19 अध्याय, 264 धाराएं तथा 3 अनुसूचियों में यह बटा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है, इतने डीप में जाके तो उससे प्रश्न नहीं पूछेगा। यदि बेसिक प्रश्न उससे पूछना हुआ तो आपसे सीधा पूछेगा कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूचियां हैं। तो 19 अध्याय, 264 धाराएं और 3 अनुसूचियों में यह बटा हुआ है, इतना याद रखिएगा। देखिए, अध्याय एक जिसका टाइटल है आपका प्रारंभिक, जिसमें दो धाराएं कवर होते हैं, धारा एक और धारा दो, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। देखिए धारा एक क्या बोलता है, इसमें क्या लिखा है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 की धारा 78 के अंतर्गत। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण वर्ष 2000 में हुआ, तो वर्ष 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ तो उससे संबंधित अधिनियम मध्य प्रदेश विधानसभा में आपका छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 लाया गया था। इस मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ही छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया तथा इस मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा ही मध्य प्रदेश में लागू विभिन्न अधिनियम, विभिन्न कानून और जो भी संहिताएं हैं उसे भी हैंड ओवर किया गया था छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ तो एक नया राज्य बन रहा था। तो मध्य प्रदेश में जो जो आपके अधिनियम, नियम, कानून, संहिता जो जो लागू थे उसे भी छत्तीसगढ़ सरकार को हैंड ओवर किया गया था इस मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के द्वारा। तो इसी मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और इसी मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 के अंतर्गत इस मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता को छत्तीसगढ़ विधानमंडल को हैंड ओवर किया गया, ताकि छत्तीसगढ़, अब इसके आगे छत्तीसगढ़ विधानमंडल इसमें किए जाने वाले जो भी इसमें संशोधन करना है इसके आगे करेंगे। यानी 2000, वर्ष 2000 तक जितने भी इसमें संशोधन किए गए थे मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में, तो उतने पूरे संशोधन के साथ, जितनी भी संशोधन की गई है इस संहिता में उसके साथ पूरा हैंडओवर किया गया था। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2000 की धारा 78 के अंतर्गत यह अधिकार छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल को सौंपा गया है। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका धारा दो, सेक्शन टू, जिसमें परिभाषाएं दी गई है। इस छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत जितने भी वर्ड यूज किए गए हैं, जितने भी शब्द यूज किए गए हैं, उसका डेफिनेशन दिया गया है, डिफाइन किया गया है एक एक वर्ड को। जैसे आबादी, अब कई जगह पे आपको इस संहिता के अंतर्गत कई जगह आबादी शब्द सुनने मिलेगा, कई जगह कृषि शब्द सुनने मिलेगा, तो ये शब्द का मतलब समझाया गया है कि किस, इस आबादी शब्द का मतलब क्या है, इस कृषि शब्द का मतलब क्या है इस संहिता के अंतर्गत, यानी क्या क्या चीजें इसमें शामिल की जाती है। देखिए, वैसे भी आपके जो भी अधिनियम रहते हैं, जो भी कोड रहते हैं, जो भी संहिता रहती है, उसका जो धारा एक, पहली बात तो ये बताता है कि ये कब लागू हुआ, किस तिथि को लागू हुआ या किस अधिनियम से लिया गया है, जबकि इसका धारा दो ये बताता है कि उस अधिनियम के अंतर्गत जो जो शब्द यूज किए गए हैं उसकी परिभाषाएं क्या होगी। ठीक, देखिए धारा दो, अब देखिए ये बटे हुए हैं अलग अलग सेक्शन में। धारा दो ए, धारा दो ए, धारा दो ए में लिखा गया है आपका आबादी, आबादी, इसमें आबादी वर्ड का मीनिंग बताया गया। देखिएगा, इस आबादी के अंतर्गत आपके ग्राम स्थल आएंगे, गांव आएंगे और राज्य सरकार द्वारा जो आरक्षित क्षेत्र है, जो आबादी के लिए आरक्षित किया गया जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत काउंट होता है, लेकिन जिसका प्रायोजन होगा आपका निवास,
जिसका प्रायोजन होगा निवास तथा यह क्षेत्र होगा आपका नगरेतर। नगरेतर मतलब नगर से इतर, नगर के अलावा ऐसा कोई भी क्षेत्र जो नगर से अलग होगा, यानी नगर से अलग मतलब ग्रामीण क्षेत्र या गांव होगा, ठीक। तो वही लिखा हुआ है आपका ग्राम स्थल गांव, ग्राम स्थल या गांव मतलब नगर से अलग है तो नगरेतर, जिसका प्रायोजन या जिसका उद्देश्य निवास के लिए होगा, निवास के लिए होगा वो कहलाएगा आपका आबादी क्षेत्र। सिंपल शब्दों में समझाऊं आपको तो, जैसे आप सभी को मालूम है कि शहरों में क्या होता है, शहरों में लोगों को रहने के लिए सरकार पट्टे पर जमीन देती है, 30 साल का पट्टा प्रोवाइड कराती है सरकार। तो वैसे ही ये शहरों में होता है आपका पट्टा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकार कुछ क्षेत्र आपके रहने के लिए लोगों को जो अलॉट करती है उसे कहा जाता है आबादी क्षेत्र। तो गाँव के भाषा में वो आबादी कहलाता है और हमारे शहरी भाषा में पट्टा कहलाता है, ठीक। तो देखिए आबादी के अंतर्गत ग्राम स्थल आएंगे, गाँव आएंगे, आरक्षित क्षेत्र आएंगे, जिसका प्रायोजन आपका निवास होगा तथा यह नगरेतर, नगर से इतर यानी नगर के अलावा ऐसे क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक। देखिए सेक्शन 2B, आप यदि हिंदी में पढ़ रहे होंगे तो आपको 2 क 2 ख 2 ग 2 घ ऐसे करके आपको सेक्शन दिखेंगे, ऐसे याद करने जाएंगे तो चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाएगी। तो जैसे समझा रहा हूं वैसे याद कीजिएगा, ABCD करके याद करेंगे, आसान शब्दों में आपको याद हो जाएगा। देखिए कृषि, इसमें कृषि के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है इसे बताया गया, जैसे वार्षिक और नियतकालीन फसलें, वार्षिक और नियतकालीन फसलें जैसे खरीफ की फसल, रबी की फसल, नकदी फसल, ये डिफाइन किया गया है। उद्यान कृषि, उद्यान कृषि के अंतर्गत जैसे आपका सब्जी आते हैं, सब्जी उगाए जाते हैं, वो सारे आपके उद्यान की फसलों के अंदर सब्जी, मसाले, फूल ये आते हैं। उसके अलावा आपका फल उद्योग, जैसे आम के वृक्ष हो गए, फल मतलब जो आपकी फसल उगाई जा रही है वो उससे आपके फल प्राप्त हो रहे हैं तो वो कहलाएगा आपके फल उद्योग के अंतर्गत। वैसे ही कृषि भूमि का उपयोग भी आपके चारे के लिए किया जाता है, जैसे गांव में अगर खाली कोई कृषि कोई भूमि पड़ी है तो उसे जानवरों को खिलाने के लिए चारा के प्रयोजन से वो भूमि में चारा उगा दिया जाता है। तो इसमें अलग से डिफाइन किया गया है, ये वार्षिक, नियतकालीन फसलें, उद्यान कृषि, आपका फल उद्योग और चारे, ऐसे डिफाइन है, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2C, धारा 2C, इसमें आपका कृषि वर्ष के बारे में बताया गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। कृषि वर्ष इस सेक्शन में लिखा गया है कि जो कृषि वर्ष है उसे राज्य शासन द्वारा अधिसूचना जारी करके विनिर्दिष्ट किया जाएगा या नियत किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा एक तिथि को अधिसूचना जारी करके विनिर्दिष्ट या नियत किया जाएगा, यानी राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि कौन से डेट को आपका कृषि वर्ष माना जाएगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई, छत्तीसगढ़ में जो डेट डिसाइड किया गया है वो डेट है आपका 1 जुलाई, यानी हमारे छत्तीसगढ़ में 1 जुलाई से आपका कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। देखिए जैसे आप सभी पढ़ते होंगे इकोनॉमिक्स में वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, हमारे यहाँ जो वित्तीय वर्ष है वो कब से कब तक रहता है, 1 अप्रैल से चालू होकर के आपके 31 मार्च तक आपका एक वित्तीय वर्ष कंप्लीट होता है। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारे नई सरकार बनी थी कांग्रेस की सरकार, उसने बहुत सारे वादे किए थे जिसमें उसने बिजली बिल आधे करने की बात कही थी। तो वो जो बिजली बिल आधा सरकार तो बहुत पहले से बन चुका है लेकिन उसे लागू कब किया गया है, अभी 1 अप्रैल को। तो ऐसे ही होता है, सरकार की जितनी भी योजनाएँ रहती है उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपके वित्तीय वर्ष के जो प्रारंभिक तिथि रहती है उसमें वो चीज़ें लागू होती है। तो जैसे वित्तीय वर्ष का आपका प्रारंभिक डेट रहता है वो है आपका 1 अप्रैल, वैसे ही कृषि वर्ष का जो प्रारंभिक डेट है, यानी कृषि से संबंधित सरकार कोई योजनाएं ला रही है या किसी एक नए नियम को वो इम्प्लीमेंट करना चाहती है, लागू करना चाहती है, तो ये अधिकतर ये जो लागू होते हैं ये आपके 1 जुलाई से लागू होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ में जो कृषि वर्ष है, कृषि वर्ष प्रारंभ होता है आपका 1 जुलाई से, इंपॉर्टेंट है ये डेट को याद रखना है आपको। देखिए अब है आपका धारा 2E, सेक्शन 2E, जिसमें आपके वास्तविक कृषक के बारे में बताया गया है। वास्तविक कृषक किसे कहा जाएगा, सिंपल शब्दों में है जो व्यक्ति स्वयं खेती करेगा उसे वास्तविक कृषक कहा जाएगा, जो व्यक्ति स्वयं खेती करेगा उसे वास्तविक कृषक कहा जाएगा। देखिए स्वयं खेती करेगा का मतलब इसमें ये डिफाइन किया गया है, मान लीजिए आपके पास कृषि भूमि है आपके पास, लेकिन आप उसमें कृषि नहीं करते। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था संपत्ति अंतरण अधिनियम वाले में कई लोग अपनी भूमि को अधिया में दे देते हैं, अधिया में देते हैं मतलब भूमि उनकी रहेगी कि खेती किसानी किसी और को दे देते हैं। तो वही कहा गया है
भले आपके पास कृषि भूमि है लेकिन आप कृषक नहीं कहलाएंगे। जो व्यक्ति उस भूमि पर खेती करेगा, किसानी करेगा, वह व्यक्ति आपका वास्तविक कृषक कहलाएगा। ये इसमें डिफाइन किया गया है। ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास 2 एकड़ 3 एकड़ की कृषि भूमि है तो आप कृषक कहलाएंगे। जो व्यक्ति उस भूमि पर खेती करेगा वह व्यक्ति आपका वास्तविक कृषक कहलाएगा, इसमें डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट 2G, जिसमें आपका सरकारी वन को डिफाइन किया गया। सरकारी वन के अंतर्गत कौन कौन शामिल होंगे, कौन कौन सी भूमि शामिल होगी, यह है आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत जो आरक्षित वन और संरक्षित वन के जो डेफिनेशन उसमें डिफाइन किया गया है, वही उन्हीं वनों को, आरक्षित वनों को, संरक्षित वनों को आपका सरकारी वन कहा जाएगा। आरक्षित वन क्या होता है, संरक्षित वन क्या होता है? आरक्षित वन जो पूरी तरीके से आपके जंगली जानवरों के लिए आरक्षित रहते हैं, संरक्षित वन जिसमें लाइसेंस पद्धति के माध्यम से आपको खेती किसानी करने के लिए, यानी परमिट पद्धति के माध्यम से आप उसमें थोड़ा बहुत आप हस्तक्षेप करके उसमें इमारती लकड़ी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है आपका आरक्षित वन और संरक्षित वन। ये आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में डिफाइन किया गया है। तो जो आपके इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में जो डिफाइन किया गया है, उसी डेफिनेशन को अपनाया गया है आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत। उसी आरक्षित और संरक्षित वन को आपका सरकारी वन कहा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2H। सेक्शन 2H के अंतर्गत आपके सरकारी पट्टेदार के बारे में बताया गया है, इसको बस याद रखिएगा, सरकारी पट्टेदार। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। राज्य सरकार के मतलब यही आपका छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत आगे है आपका धारा 181। धारा 181 के अंतर्गत जो धारण भूमि रहेगी, अब धारण भूमि क्या है आगे देखेंगे, उसे ही आपका सरकारी पट्टेदार कहलाता है वह व्यक्ति, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2K के अंतर्गत भूमि की परिभाषा बताई गई है, भूमि का डेफिनेशन बताया गया है। हम संपत्ति अंतरण अधिनियम में भी पढ़े थे, भूमि जिसमें धरती के सतह का वह भाग जो जल के नीचे भी क्यों ना हो, भूबद्ध हो और स्थायी रूप से जकड़ी हुई हो। देखिए, जल के नीचे का भाग मतलब जैसे मान लीजिए आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, एक आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेट करते हुए बता रहा हूँ, आप किसी को प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और आपने अपने प्रॉपर्टी पर गड्ढा खोद करके उसमें पानी डाल दिया, यानी तालाब बना के रखा है, तो आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि वो तालाब मेरा हुआ या वो तालाब का पानी मेरा है, ऐसा नहीं होता। यदि आपने प्रॉपर्टी बेचा तो उस प्रॉपर्टी बना हुआ जो तालाब है वो भी ट्रांसफर होता है। तो वही कहा गया है कि भले वह जल के नीचे की सतह क्यों ना हो, भूमि के अंतर्गत धरती के सतह का वह भाग जो जल के नीचे भी क्यों ना हो, भूबद्ध यानी जो परमानेंटली फिक्स्ड, भूबद्ध का मतलब जैसे जमीन है, जमीन में यदि आपने मकान बना के रखा है वो परमानेंटली अटैच्ड है, उसके अलावा उसमें वृक्ष उगे हुए हैं, तो वो सारे के सारे चीज़ें भी भूमि के अंतर्गत काउंट होंगी। स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीज़ें, वही जैसे मैंने जो आपको वृक्ष का एग्जाम्पल दिया, वृक्ष जो परमानेंटली उसमें स्थायी रूप से धरती या जमीन के द्वारा जकड़ी हुई है, तो वो भी आपके भूमि के अंतर्गत काउंट होते हैं। तो जल के नीचे की भूमि, भूबद्ध भूमि और आपका स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें सारे के सारे आपके भूमि के अंतर्गत काउंट होते हैं, ठीक। देखिए, इसमें से मैं बताऊंगा कौन कौन सा आपको पढ़ना है, सारे चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कवर करते करते समझते हुए चलिए, बेसिक डेफिनेशन है, आगे काम आएगा। आगे जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके भू राजस्व संहिता में कई जगह भूमिहीन व्यक्ति, भू अभिलेख, आपका लगान, राजस्व वर्ष, ये सारे चीजें उसमें आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आपको सभी का एक डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा बताते जा रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2L, धारा 2L, इसमें आपका भूमिहीन व्यक्ति के बारे में बताया गया है, किस व्यक्ति को आपका भूमिहीन व्यक्ति कहा जाएगा। देखिए, वास्तविक कृषक या कोई अकेला व्यक्ति या कुटुंब का कोई सदस्य जो संयुक्त रूप से, देखिए वास्तविक कृषक भी हो सकता है या कोई व्यक्ति जो अकेला हो या उसके परिवार के अन्य सदस्य संयुक्त रूप से, यदि उनके पास कोई धारण भूमि नहीं है, कोई उनके पास भूमि धारण नहीं है, देखिए उनके पास कोई भूमि धारण नहीं है, या इसमें ये कहा गया है कि जैसे एक पैमाना सेट किया गया कि छत्तीसगढ़ सरकार, एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार ने डिसाइड किया है कि 50 स्क्वायर फीट या 100 स्क्वायर फीट की भी अगर आपके पास भूमि है, फिर भी उन व्यक्तियों को आपका भूमिहीन परिवार के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। यानी सरकार ने जो पैमाना तय किया गया है, सरकार के द्वारा जो पैमाना तय किया गया है कि इस क्षेत्रफल से यदि कम की भूमि है तो वह व्यक्ति भूमिहीन परिवार के अंतर्गत काउंट होगा। तो वो बताया गया है भूमिहीन, ये भले हुआ वास्तविक कृषक क्यों ना हो, यानी वो किसी के पास खेती क्यों ना कर रहा हो, अकेला हो या कि उसके परिवार के अन्य सदस्य जिनके पास संयुक्त रूप से कोई भी धारण भूमि ना हो, कोई भी भूमि उनके पास धारण ना की गई हो, या सरकार द्वारा जो पैमाना डिसाइड किया गया है कि पर्टिकुलर इतने क्षेत्रफल से कम भूमि हो उनके पास, तो उन्हें भूमिहीन परिवार कहा जाएगा।
ठीक। सेक्शन 2M, सेक्शन 2M के अंतर्गत आपके भू अभिलेख के बारे में बताया गया है। इस संहिता से संबंधित उपबंधों के अधीन अभिलेख, यानी इस संहिता से संबंधित जो भी अभिलेख तैयार किए जाएंगे वो भू अभिलेख कहलाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2O, सेक्शन 2O के अंतर्गत आपका आम्रकुंज या आम्रकुंज भूमि के बारे में बताया गया है। इस सेक्शन में आपको बताया गया है कि आम का वृक्ष जिसका प्रायोजन वृक्षारोपण से भिन्न हो, मान लीजिए एक बहुत बड़ा भूभाग है जिसमें आपके बहुत से आपके आम के वृक्ष उगे हुए हैं, जिसका प्रायोजन वृक्षारोपण से भिन्न हो। देखिए, या तो आप कोई एक वृक्ष उगाते हैं वृक्षारोपण करने के लिए, या तो फिर आप कमर्शियल पर्पस से, यानी आपने बहुत सारे आम के वृक्ष एक पंक्ति, कुंज मतलब होता है पंक्ति, एक पंक्ति में उगा रखा है जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण नहीं है, जिसका उद्देश्य वृक्षारोपण नहीं है। वृक्षारोपण नहीं है मतलब आपने कमर्शियल पर्पस से, यानी आप एक उद्यान उगा के रखे, जैसे हमने पढ़े ना यहाँ पे फलोद्यान, आपने एक उद्यान बना कर रखा है कि मैं इससे आम होंगे तो उसे बेचूंगा, तो वही कहा गया है जिसका प्रायोजन वृक्षारोपण से भिन्न हो वो आपके आम्रकुंज भूमि कहलाएगी, ठीक। नेक्स्ट है आप सेक्शन 2T जिसमें बताया गया है आपका लगान। देखिए, इसमें लगान या इसे कहते हैं रेंट, इसके अंतर्गत दो कैटेगरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। एक है आपका कृषि पट्टा भूमि से संबंधित मुद्दे, जैसे कृषि पट्टा भूमि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था अधिया वाला, वो कहलाएगा आपका कृषि पट्टा भूमि। और दूसरा सरकारी पट्टेदार, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे सरकार शहरी क्षेत्रों में आपको 30 वर्ष के लिए जो पट्टा देती है वो सरकारी पट्टेदार के अंतर्गत काउंट होते हैं, तो उससे संबंधित जो टैक्स लिए जाते हैं, जो रेंट लिए जाते हैं, वो आपका इस सेक्शन के अंतर्गत बताया गया है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2B, सेक्शन 2B के अंतर्गत राजस्व वर्ष के बारे में बताया गया है। राजस्व वर्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके पर्टिकुलर एक दिन डिसाइड करेगी जिससे इस राज्य का आपका राजस्व वर्ष प्रारंभ होगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑलरेडी आपका एक डेट डिसाइड कर दिया है अधिसूचना जारी करके, वो डेट है आपका 1 अक्टूबर। तो याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ का राजस्व वर्ष कब से चालू होता है, छत्तीसगढ़ का राजस्व वर्ष चालू होता है आपका 1 अक्टूबर से, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन 2Z1, इसके अंतर्गत आपकी इमारती लकड़ियों के बारे में बताया गया है। पर्टिकुलर इसमें बताया गया है कि किन किन वृक्ष की लकड़ियों को आपका छत्तीसगढ़ में इमारती लकड़ी कहा जाएगा, किन किन वृक्ष की लकड़ियों को छत्तीसगढ़ में इमारती लकड़ी कहा जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं, साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, चंदन, अर्जुन, तेंदू, तिनसा, हल्दू, मुंडी और खमहार। टोटल 12 ऐसे वृक्ष हैं जिनकी लकड़ियों को छत्तीसगढ़ में इमारती लकड़ी के अंतर्गत काउंट किया जाएगा। याद रखिएगा, ये हमारे लिए आपके छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता से संबंधित भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में अगर कोई एग्जाम होता है जिसमें आपसे इमारती लकड़ियों का कोई ऑप्शन वाला प्रश्न पूछा जाता है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कुल 12 ऐसे वृक्ष है जिनकी लकड़ियों को इमारती लकड़ियों के रूप में काउंट किया जाता है। कौन कौन से है, साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, चंदन, अर्जुन, तेंदू, तिनसा, हल्दू, मुंडी और खमहार। याद रखिएगा, तेंदू के वृक्ष से ही तेंदू पत्ता होता है जो कि छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय वन उपज है, और तेंदू के जो वृक्ष है उसके जो लकड़ी है उसे भी इमारती लकड़ी के अंतर्गत काउंट किया जा रहा है, ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2Z4 के अंतर्गत आपके नगरीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, यानी किस क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा, और सेक्शन 2Z5 के अंतर्गत बताया गया किस क्षेत्र को आपका ग्रामीण क्षेत्र या ग्राम कहा जाएगा। ऐसा कोई भी क्षेत्र जिसे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करके विनिर्दिष्ट कर दे कि ये जो है ये पर्टिकुलर ये आपका नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जिस जो आपके नगर पालिका या नगर निगम के अधीन रहेगा, ठीक, तो ऐसे क्षेत्र को नगरीय क्षेत्र कहा जाएगा। और इसमें एक वर्ड और लिखा गया है, ऐसे क्षेत्र मतलब नगरेतर क्षेत्र हम समझ चुके नगरेतर मतलब क्या होता है, नगर से इतर क्षेत्र, तो नगरेतर क्षेत्र भी आपका नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। नगरेतर क्षेत्र मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर जो क्षेत्र बचे हैं वो आपके नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। सेक्शन 2Z के अंतर्गत आपके ग्राम की परिभाषा बताया गया है, जिसमें आपके राजस्व सर्वेक्षण के अंतर्गत जो भी आपके क्षेत्र शामिल किए जाएंगे, यानी आपका ग्राम स्थल, गाँव, आरक्षित क्षेत्र, आबादी क्षेत्र, यानी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके बताए कि ये पर्टिकुलर ये क्षेत्र आपके ग्राम के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे, तो एक सिंपल डेफिनेशन है, इसे याद रखिएगा। देखिए,
इतना बताने का मतलब ये है कि अगर आगे कोई ऐसे वर्डिंग आप आपको मैं बताऊं तो उसमें कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। इतना सारा चीज़ मत पढ़िएगा, देखिए बता दे रहा हूँ आपके लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। एक आपको सेक्शन 2A पढ़ना है आबादी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2B पढ़ना है आपका कृषि, 2C ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2C जिसमें आपके छत्तीसगढ़ में कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कृषि वर्ष प्रारंभ होता है आपका 1 जुलाई से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपको 2A 2B 2C पढ़ना है, इधर से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पढ़िएगा, देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना है राजस्व वर्ष 2B, छत्तीसगढ़ में राजस्व वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में राजस्व वर्ष आपका 1 अक्टूबर से प्रारंभ होता है। वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से। कृषि वर्ष कब से प्रारंभ होता है, 1 जुलाई से। राजस्व वर्ष कब से प्रारंभ होता है, राजस्व वर्ष प्रारंभ होता है आपका 1 अक्टूबर से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे ही आपको याद रखना है इमारती लकड़ियों के नाम, इमारती लकड़ी छत्तीसगढ़ में कुल 12 प्रकार के वृक्षों की लकड़ियों को इमारती लकड़ी के अंतर्गत शामिल किया गया है। कौन कौन सा है, साल, सागौन, साजा, बीजा, शीशम, चंदन, अर्जू, तेंदू, तिनसा, हल्दू, मुंडी और खमहार। ये कुल 12 वृक्ष के लकड़ियों को इमारती लकड़ियों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आपका 1, 2, 3, 4, 5 इन 5 सेक्शन की परिभाषाओं को थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा, ठीक। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। देखिए कई लोग बोल रहे थे कि जो आपके CGPSC मेंस का जो पेपर नंबर 7 है उसका थोड़ा सिलेबस कवर कराया जाए, तो मैं देखा है कि उसमें 2-3 चीज़ें सिमिलर है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, सूचना का अधिकार अधिनियम हो गया। तो आपका सूचना का अधिकार अधिनियम तो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, ठीक। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम मैंने जितना कवर कराया है उसे एक बार अच्छे से पढ़िएगा, और जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको तो मैं ये सजेस्ट जरूर करूँगा कि जो PDF मैंने प्रोवाइड कराया है वो PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए। क्या है कि देखिए यदि आपने मेरे तीनों वीडियो देखे होंगे सूचना का अधिकार अधिनियम का, तो उस 3 वीडियो को देखने के बाद यदि आप उस PDF से पढ़ेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली 10 मिनट के अंदर आपका वो सूचना का अधिकार अधिनियम पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा, यदि आपने वीडियो को अच्छे से समझा है। तो आप उस PDF को ले ही लीजिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक। अभी नेक्स्ट आपका हो सके तो लोक प्रशासन के ऊपर वीडियो बनाएंगे, अगर टाइम बचा तो लोक प्रशासन हो सकता है या फिर आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो सकता है, ये 2 टॉपिक भी सिमिलर है पेपर नंबर 7 के, ठीक। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।